इस दावे को खारिज करने के बीच अमेरिका भी जंग में कूद गया है। अमेरिका ने बखमूत पर बड़ा दावा किया है कि बखमूत पर कब्जे की लड़ाई अभी जारी है और यूक्रेन की सेना बखमूत में मुस्तैदी से तैनात है और रूस के सैनिकों को कड़ी टक्कर दे रही है। और अमेरिका के दावे के बाद ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर कहा कि रूस की सेना से बखमूत काफी दूर है। तो किस तरीके से बखमूत को भी यहां पर टारगेट किया जा रहा है और लगातार जो युद्ध भड़कता जा रहा है उसमें अमेरिका भी अब कूद पड़ा है और ये कब्जे की लड़ाई लगातार जारी है। यूक्रेन की सेना बखमूत में मुस्तैदी से जहां पर तैनात है और रूस के सैनिकों को भी अब कड़ी टक्कर वहां पर दी जा रही है। और अमेरिका के दावे के बाद ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर कहा कि रूस की सेना से बखमूत काफी दूर है। तो बखमूत में जंग किस तरीके से जारी है उसकी तस्वीरें भी आप देखें। की लड़ाई में कूदा अमेरिका। बखमूत की जंग में आया नया पेंट। ज़ेलेंस्की ने बखमूत में फिर पलटी बाजी। इस बयान के बाद यूक्रेन ने भी वैगनर ग्रुप के दावों को खारिज कर दिया। ज़ेलेंस्की ने भी बखमूत पर रूस के कब्जे के दावे को खोखला करार दिया। दावा किया कि रूस की सेना बखमूत पर कब्जा करने से बहुत दूर है। बखमूत पर अब भी यूक्रेन का ही कब्जा है। इससे पहले रूस ने बखमूत पर प्रशासनिक रूप से कब्जे का दावा किया था। रूस ने बाकायदा एक तस्वीर जारी की थी जिसमें वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन बखमूत के प्रशासनिक भवन पर लगे यूक्रेन के झंडे को हटाते दिखे। उसके बाद वहीं पर रूस के झंडे को फहराकर पूरी दुनिया को यह बताया कि बखमूत पर अब रूस का कब्जा हो गया है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि नहीं की थी। बखमूत शुरू से आज तक रूस यूक्रेन की सेना के लिए नाकस सवाल बना हुआ है। यही वजह है कि जिंदगी से गुलजार रहने वाला बखमूत शहर शमशान में तब्दील हो चुका है। महायुद्ध की सबसे लंबी और खूनी जंग का दंश झेल रहा बखमूत का नक्शा और हुलिया दोनों ही बदल चुके हैं। लाचारी, बेचारगी और मजबूरी क्या होती है, बखमूत के बाशिंदे इन लफ्जों की जिंदा मिसाल बन चुके हैं। चूंकि जंग का सबसे ज्यादा खमियाजा बखमूत शहर के लोगों को ही उठाना पड़ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि युद्ध से पहले बखमूत शहर की आबादी करीब 80,000 थी, जिसमें से करीब 70 से 75,000 लोग वहां से जा चुके हैं। अब वहां कुछ हजार लोग ही बचे हैं। युद्ध के मैदान में जरूर पुतिन की पलटन और ज़ेलेंस्की की सेना आमने सामने है, लेकिन जंग में इस्तेमाल हो रहे हथियार और अमेरिका से लगातार यूक्रेन को मिल रही सैन्य मदद पहले से गवाही देते आए हैं कि ये महायुद्ध दो बड़ी ताकतों के बीच लड़ा जा रहा है। और अब तो जुबानी दावों की जंग में भी रूस और अमेरिका ने ये साबित कर दिया है कि जंग के मैदान में यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा है।